आयोजन किया गया। 4 से 18 फरवरी तक आयोजित इस भर्ती रैली में आसपास के 13 जिलों के अभ्यर्थी शामिल हुए और अपने दमखम का परिचय दिया। इस भर्ती प्रक्रिया में करीब 47,000 युवाओं ने हिस्सा लिया। इन युवाओं का विभिन्न स्तर पर परीक्षण का चयन किया गया। सेना भर्ती का कार्यक्रम रात 12 बजे शुरू होकर शाम तक चलता था। इस दौरान युवाओं के शारीरिक दमखम का विभिन्न स्तरों पर परीक्षण किया गया। आर्मी भर्ती रैली में मध्य प्रदेश के 13 जिलों के 72,000 युवाओं ने अपना पंजीयन कराया, जिसमें सागर, ग्वालियर, चंबल संभाग से युवा शामिल हुए थे। सेना ने इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से सोल्जर जनरल, डिप्टी एसजीडी, टेक्निकल ट्रेड क्लर्क, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट आदि पदों के लिए युवाओं का चयन किया। भर्ती के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इसके लिए पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा व्यापक इंतजाम किए गए। इस दौरान पुलिस ने 700 से अधिक पुलिस जवानों को भर्ती स्थल पर नियुक्त किया। जी, जैसे कि मैंने बताया था कि इसमें तकरीबन 72,000 जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने रजिस्टर किया था, और पूरी ये जो 12 दिन की रेट भी है इसमें तकरीबन 47,000 जो है अभ्यर्थी इन्होंने इसमें भाग लिया। ये भर्ती रैली जैसे कि आपने देखा होगा पिछले 12 दिन से जो चल रही थी काफ़ी स्मूथली जो है कंडक्ट हुई है, और इसमें जो है पूरा योगदान जो है मैं कहूँगा कि जो प्रशासन था यहाँ का सिविल प्रशासन उसने काफ़ी बड़ा इसमें योगदान दिया। काफ़ी अच्छी उन्होंने प्लानिंग की और प्लानिंग को एग्जीक्यूट जो करना था वो बहुत ही अच्छी तरीके से किया। इसमें से जो है तकरीबन 47,000 में से हमारे पास अभी तक 4.5 के करीब जो है उन्होंने ये रन पास किया है, और इसके बाद अभी इनका डॉक्यूमेंटेशन और मेडिकल जो है वो चल रहा है, एंड इसमें जितने पास होते हैं उनको जो है रिटर्न टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा।